X, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो गए। और जी शाकिब खान के हम बहुत सारे जो है सॉन्ग्स देख रहे हैं, उनके जो है वो ट्रेलर्स देख रहे हैं मूवीज़ के, और बहुत अच्छा लग रहा है एक से बढ़ के एक। और सबसे जो उनके अंदर सबसे जो ज़बरदस्त बात यह है कि उनका लुक हर मूवी में हर गाने में चेंज लगता है। तो आज हम देखने वाले हैं सॉन्ग जिसका नाम है कुर्बानी कुर्बानी, और ईद सॉन्ग है ये। इससे पहले भी हमने एक ईद सॉन्ग किया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार जो है बना के रखें। और जी इस गाने की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे खुद भी जो है देखना था, क्योंकि इस गाने में शकीब खान के जो बाल है ना वो लॉन्ग है, तो मुझे देखना था कि इनका ये लुक कैसा लगता है। और इस तरह के गाने जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इनके साथ। तो चलो यार जल्दी से देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है कर देना और अनिशा ऑफिशियल में मुझे ज्वाइन करो जो इंस्टाग्राम पे, और अपना ढेरों सारा प्यार जितने भी शकीब खान के जो फैन हैं वो जल्दी से दे दो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त गाना, मुझे अभी तक मैंने इनके कितने भी गाने सुने हैं वो सब मुझे अच्छे लगे, पर ये यार मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। एक तो ये कुर्बानी के ऊपर था, और अभी जो है
ईद कुर्बान आने वाली है मुस्लिम्स के लिए, ये बहुत ही बड़ा जो है त्यौहार होता है, और दोनों ईदें, लेकिन ये वाला जो है ना इसमें एक अलग ही इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। और ये गाना सुन के ना मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत इसके लिरिक्स थे, मुझे सारे समझ आए। शकीब खान के जो ड्रेसेस थे, उन्होंने जितनी शलवार कमीज़ वेयर की, चार उन्होंने की थी, ब्लैक एंड वाइट मेरा फेवरेट कलर है, और उसमें वो बहुत अच्छे लग रहे थे। स्टार्टिंग में जैसे उनकी एंट्री हुई है, वो जो रिक्शा थे मेरा ख्याल है ऐसा, जिसमें सामान लेके आते हैं, इस तरह का कुछ था, उसके ऊपर वो लेडीज़ जो है सारी की सारी जो है लड़कियाँ नहीं थी, और वो अकेले थे, और फिर उन्होंने जैसे इस तरह से बाल बांधे, बहुत अच्छा स्टाइल था ये उनका। डांस सुपर, मतलब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा डांस जो है करेंगे, क्योंकि शलवार कमीज़ के अंदर एक अलग स्टेप्स होते हैं और वैसे जो है ड्रेसेस के हिसाब से, लेकिन शलवार कमीज़ के अंदर वो इतने ग्रेसफुल लग रहे थे। और कुर्बानी सॉन्ग सच में यार सुपर्ब है, मतलब बहुत अच्छा, इसके लिरिक्स, इसके सिंगर, और जिस तरीके से, जिस इमोशंस के साथ, और इसमें जो दुआएँ हैं, वो सब चीज़ें बहुत बेहतरीन थी। और पूरा सेट मज़ार थी वहाँ पर, और ये कौन सी मज़ार है मुझे ज़रूर बताइएगा। शकीब खान का लुक लंबे बालों के साथ मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा ये गाना था, और त्यौहार के हिसाब से, ईद के हिसाब से यार बहुत सुपर गाना, मतलब इसको जितना सुनो ना आपका दिल नहीं भरता। पूरा जो थीम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी इस गाने के लिए, और मुझे अब समझ आया कि वो क्यों आ रही थी, क्योंकि ये डिज़र्व करता है ये गाना, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा, या हो सकता है हम लोग जो है मुस्लिम्स हैं तो हम लोग ने इसको बहुत ज़्यादा दिल से फील करते हैं, वो सारी खुशियाँ जिस वजह से हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो सुपर माइंड ब्लोइंग हमेशा की तरह। जब भी मैं इनके कोई भी गाना सुनती हूँ, मुझे इनका लुक, इनकी गेटअप, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और बहुत स्मूथली एक्ट करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही अपना प्यार दें, और वीडियो को देखें और शेयर करें, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे ही मुझे ज्वाइन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।